हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको अगर न्यू यूट्यूब चैनल बनाना है तो उसके लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि हम एक बार आपको दिखा देते हैं हाउ टू क्रिएट न्यू यूट्यूब चैनल। ओके, देखो अगर यहाँ से भी क्लिक करने के बाद भी अगर आपको यूट्यूब चैनल डेफिनेटली होता ही, जैसा कि आप जानते हो, जैसे अगर आप यूट्यूब खोलोगे तो आपको कोई ना कोई एक चैनल तो मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, अगर आपको एक चैनल मिलता है तो उसके बाद आप दूसरा मतलब आपसे नाम से स्विचिंग करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन आपको नया चैनल बनाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है नया चैनल बनाने के लिए, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है ये बट इससे भी कुछ बात नहीं बनी। मैं भी कई बार ऐसा परेशान हो चुका हूँ लेकिन यूट्यूब चैनल नहीं बनता है। अगर हम यहाँ पे एक बार ट्राई करें तो यहाँ पे भी अगर यूट्यूब चैनल चैनल क्रिएट का बताएं तो यहाँ पे भी कोई मुझे वीडियो नहीं मिली। तो इसी को देखते हुए मुझे इच्छा हुई कुछ इस बंदे ने बनाया। अब ये बंदा जो कह रहा है कि आप एक नई ईमेल आईडी बनाओ, तो आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना, ईमेल आईडी की बता रहा है। ऐसा नहीं होता है, आपको भाई ऑलरेडी हमारी ईमेल आईडी है, जो भी बंदा हुआ प्राइमरी ईमेल आईडी पे ही बनाएगा, थोड़ी कि हम किसी भी ईमेल आईडी पे यूट्यूब चैनल बनाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो मैं बताता हूँ आपको। आपको ओनली क्रिएटर स्टूडियो में जाना है। जैसे चैनल रहेगा तो क्रिएटर स्टूडियो तो होता ही हर चैनल पे। ओके, तो आपका एक चैनल है, जैसे मुझे मेरे चैनल है, देखो आप बता दो, मैं एक दो तीन चार चैनल होते हैं, मेरे चार चैनल है, मेरा पर्सनल जो है चैनल वगैरह नहीं है, बट ये यूट्यूब का है। तो हम अभी जाते हैं सेटिंग में, ठीक है, सेटिंग में जाके चैनल सेटिंग में जाते हैं हम लोग। एडवांस सेटिंग में जाते हैं, उसके बाद हम करते हैं ये देखिए ऑप्शन मैनेज योर यूट्यूब क्रिएट चैनल्स। ओके, यूट्यूब क्रिएट चैनल्स, अब हम यहाँ आते हैं चैनल फीचर्स, एडिट और मैनेज योर चैनल्स। ठीक है, बट हम यहाँ पे जाते हैं एडिट और रिमूव चैनल्स। एडिट, हम एडिट और रिमूव पे क्लिक करते हैं, डिलीट ऑल सॉल्यूशन चैनल। ओके, मैनेज परमिशन, हमको यहाँ पे डिलीट नहीं करना है। तो हम बैक आ जाते हैं, चैनल स्टेटस फीचर्स, एडिट एंड मैनेज योर चैनल्स। ओके, एडिट एंड मैनेज योर चैनल्स क्लिक करना है, ये ऑप्शन आ गया। अब ऑलरेडी हमारे एक दो तीन चार चैनल हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्रिएट और एक और चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे अपना चैनल का नाम टाइटल डाल सकते हैं आराम से। ठीक, हम यहाँ पे जैसे क्या डालते हैं, ट्रेंड मटेरियल। ओके, हम ऐसा एक नाम का चैनल बनाते हैं, क्रिएट हमने कर दिया, ट्रेंडिंग यूट्यूब मटेरियल करके, ट्रेंडिंग यूट्यूब मटेरियल करके हमने चैनल क्रिएट करा है। ये हमारा चैनल क्रिएट हो चुका है। चैनल क्रिएट होने के बाद हम करते हैं कस्टमाइज चैनल और मैनेज योर वीडियो। कस्टमाइज चैनल को एक बार हम क्लिक कर देते हैं, हम इसकी थोड़ी चैटिंग कर लेते हैं। ओके, कंटिन्यू, बेसिक इंफॉर्मेशन हम डाल लेते हैं। ठीक है, हैंडल, हैंडल में ट्रेंडिंग यूट्यूब मटेरियल। ओके, एक दो, ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं है। डिस्क्रिप्शन, ओके, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी हमारी
हम यूज़ करते हैं वही हमको इसमें ऐड करनी है। डिस्क्रिप्शन हम जो हम ऐड कर देंगे एक बार तो उसके बाद हम बार बार हमको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके यहाँ पे जो भी हमको फोटो करने ठीक है यहाँ पे जनरल लेटर्स ओके बाकी कोई ऐसी सेटिंग हमको करने की जरूरत नहीं। पब्लिश ओके पब्लिश करने के बाद हमको अर्निंग मोनेटाइजेशन ओके यहाँ पे भी हमको अभी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा भी वॉच टाइम कंप्लीट नहीं है और हमारा कोई वीडियो भी अपलोड नहीं है। और उसके बाद हम इसके लिए कोई सेटिंग आपको तुरंत बताएंगे लेकिन ऐसे चैनल बनाया जाता है ना कि क्योंकि हम किसी का भी चैनल उठा के देखें जहाँ पे हमको पता नहीं चल रहा क्योंकि नॉर्मली हमारी ईमेल आईडी पे एक चैनल होता है जो हमारा नाम से होता है तो आप इसका प्रॉब्लम ना लें इससे आपको चैनल आप बना सकते हैं मोबाइल के द्वारा भी बना सकते हैं जैसे कि हम वीडियो को खोलते हैं ना यू क्रोम पे आप जो वीडियो होती है डेस्कटॉप मोड खोल सकते हैं। ओके धन्यवाद लाइक एंड शेयर योर माय यूट्यूब चैनल पवन पीसी। ओके दिस माय चैनल माय ओरिजिनल चैनल इस पवन पीसी। Okay guys, thank you for watching my channel.